तो दोस्तों नमस्ते, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक जो कहानी सुनाना चाहता हूँ, सच बताऊँ कि वो कहानी जब मैंने सुनी तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार करो इतना कि दुनिया करना चाहे आपके जितना। कि यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कितनी शिद्दत, कितना जुनून हम प्यार करने में लगा देते हैं, उतनी शिद्दत उतना जुनून हम काम में लगाएंगे तो सोचिए कि हमारा कितना नाम होगा। चलिए ये कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों ये कहानी है एक उड़ीसा में रहने वाले एक लड़के की, जिसकी फैमिली को लोग अनटचेबल बोलते थे। आप समझ रहे ना अनटचेबल का मतलब क्या होता है, मतलब एक इस प्रकार की कास्ट जिसको लोग ये समझते हैं कि उनको छूना भी गलत है। तो उन्होंने, उनकी फैमिली ने बड़ी संघर्ष करके थोड़े से पैसे जोड़कर वो उनको दिल्ली भेजा अपने लड़के को पढ़ाने के लिए। और वो लड़का दिल्ली में पढ़ के उसने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, उसमें से एक चीज़ थी उसकी पेंटिंग बनाना। अच्छा, उसकी पेंटिंग की कला इतनी ज़्यादा उसकी रास आई कि जब वो पेंटिंग अपनी बना बना कर, जब वो पेंटिंग बना बना कर वो डालता था तो लोग उसकी फ़ोटो खींच खींच के अखबारों में लगाते थे और कई बार वो पेंटिंग बहुत मशहूर हो जाती थी। सो वैसी उसकी पेंटिंग देख कर एक विदेशी महिला, एक स्टूडेंट की एक लड़की को उससे लगाव हो गया और वो उसे मिलने के लिए खास इंडिया आई। और जैसी पहली बार उस लड़के ने उस लड़की को देखा, विदेशी महिला उस लड़की को देखा, फिरंगी लड़की को देखा, तो वो उसको देखता रह गया क्योंकि उसने आज तक कभी इतनी सुंदर लड़की देखी नहीं। और वो सच वर्णन तो उसके पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठा और वो जो लड़की थी उसका काम देख के वो भी उस लड़के से प्यार कर बैठी। दोनों ने ही शादी कर ली इंडिया में रहकर। और कुछ समय तक वो रहने के बाद वो वापस स्वीडन चली गई, वापस विदेश चली गई। और वो ये कह के गई कि तुम अपनी पूरी पढ़ाई करके तुम वापस मेरे पास आओगे और तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी। दोस्तों अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि उस लड़के ने, क्योंकि उस समय की बात है जब यहाँ इतना पैसा लगता था, बहुत सारे पैसे लगते थे विदेश जाने के लिए, क्योंकि वो उस समय बहुत ज़्यादा कंट्री में वीज़ा नहीं लगता था। सो फिर भी पैसे जोड़ पाना उस लड़के के लिए मुश्किल हो रहा था। तो उसने सबसे पहले क्या काम किया, अपनी सारी पेंटिंग, जितना भी उसने पेंटिंग बनाई थी, वो सारी पेंटिंग बेच के एक साइकिल खरीदी। और साइकिल खरीद के आप सोच नहीं पाएंगे वो 11 कंट्रियों का सफ़र करके 4 महीने 3 हफ्ता और 3 दिन में वो स्वीडन पहुंचा। और जब वो वहाँ पे उस कंट्री में पहुंचा, स्वीडन पहुंचा, और स्वीडन पहुंच के वहाँ के अधिकारी को पता चला कि इतनी लंबी यात्रा करके आया है सिर्फ एक अपनी पत्नी से मिलने के लिए और उसके साथ रहने के लिए, तो वो लोग अचंभर रह गए। दोस्तों सच बताओ, जब उसकी पत्नी को पता चला वो भाग कर उसके पास आई। अब उनको वहाँ रहते हुए 40 साल हो गए हैं और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी वो वहाँ पे बिता रहा था। और वो कभी भी जब वो अपने घर आता है इंडिया में, उड़ीसा में, तो दोस्तों वही गांव में, वहीं के गांव वाले लोग आज उसके लिए, जैसे वो गांव पहुंचता है, ढोल नगाड़े लेकर तैयार रहते उसके स्वागत करने के लिए। सच बताऊं कि एक वो जमाना था जी जब उसकी फैमिली को अनटचेबल कहते थे, और अब एक ये ज़माना है जब उसी लड़के के इंतज़ार में, और जब वो आता है तो ढोल नगाड़े पीटे जाते हैं और उनका इंतज़ार किया जाता है, उस पर फूलों की वर्षा की जाती है, उसके साथ लोग अपनी फ़ोटो खिंचाते थे। दोस्तों आप समझिए इस कहानी से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की एक सच्ची शिद्दत है, आग लगी है, तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पा ना सकें। आप देखें कि एक लड़का अनटचेबल से एक इतना फेमस हो गया और उसको, और उसने ये सोचा नहीं था। सो इसलिए कोई भी काम करना है तो सोच के मत कीजिए। तो आप देखेंगे जिस दिन आप सो के उठेंगे ना, उस दिन आपका नाम आपके काम से ऊपर हो जाएगा। और सच बताऊँ आपको लोग दुनिया में जाएंगे। आई होप कि आप इतनी मेहनत करें कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैं देवदन अग्रवाल, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।